हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पर। स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सरधालिया एक और विषय पे बात करने के लिए आ चुका हूँ। आप इंस्टाग्राम और फेसबुक के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। जिस बारे में हम बात करने वाले हैं, जिस टॉपिक को हम डिस्कस करने वाले हैं, उसका संबंध जो है वो केरल राज्य से है। तो केरल टू गेट इंडिया फर्स्ट सोलर फिशिंग बोट्स। सोलर फिशिंग बोट्स ये यहाँ पर कीवर्ड है, ये इंपॉर्टेंट है। तो केरल राज्य के अंदर पहली बार भारत में मछली पकड़ने वाली नाव ऐसी होगी जो सौर ऊर्जा से संचालित होगी, डीजल इंजन उसके अंदर नहीं लगेगा। इस विषय पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं, तो विस्तार से समझेंगे इस पूरे के पूरे आर्टिकल को। अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज स्टडी आईक्यू पर अवेलेबल है। ये कोर्सेज आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे आपके एग्जाम प्रेपरेशन को बेहतर बनाने में। इन सभी कोर्सेज पे आपको मैसिव डिस्काउंट्स मिल रहे हैं क्योंकि स्टडी आईक्यू पर आ चुका है मंथ एंड से। इंडिया विल गेट इट्स फर्स्ट सी गोइंग सोलर फिशिंग बोट्स बाय दिसंबर 2021 एट वायपीन एंड मुनाम्बम इन केरला। वायपीन और मुनाम्बम केरला के अंदर, यहां पर दो इन जगहों के बीच में फिशिंग के लिए, मछली पकड़ने के लिए जिस नाव का प्रयोग होगा दिसंबर 2021 तक, वहां पर सौर ऊर्जा से संचालित नाव जो है वो मौजूद होगी। ये दोस्तों, ये पूरा का पूरा आर्टिकल है कुछ इस तरीके के आप देख रहे हैं। ये एक प्रोटोटाइप तैयार किया गया है। ये पूरा का पूरा आप देख पा रहे हैं क्या है, ये है सोलर पैनल, सौर ऊर्जा से संचालित ये पूरा का पूरा पैनल है। ये देखिए, ये है मछलियां, आप देख पा रहे होंगे। थोड़ा सा प्रोटोटाइप में दिखाने की कोशिश करेंगे कि मछलियों को पकड़ करके यहां रखा जाएगा, पकड़ने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा। अभी तक जो बोट्स है फिशिंग के लिए इस्तेमाल की जाती है, वो जो है वो डीजल इंजन से संचालित होती है। तो डीजल से आप जानते हैं कि एक तो नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, साथ ही साथ पॉल्यूशन उससे होता है, तो बहुत सारी समस्याएं जो है वो आती है। लेकिन सौर ऊर्जा से चलने वाली ये नाव जो है, इसमें इस प्रकार की कोई भी समस्या जो है वो नहीं देखने को मिलेगी। इस पूरे की परी परियोजना को, इट इज फंडेड बाय शेल फाउंडेशन विच इज द चैरिटी आर्म ऑफ ब्रिटिश डच पेट्रोलियम कंपनी। तो ब्रिटिश डच पेट्रोलियम कंपनी की ही एक शाखा है जिसको के शेल फाउंडेशन कहा जाता है। उन्होंने इस पूरी की पूरी परियोजना को फंड करा है ताकि एनवायरमेंट फ्रेंडली सॉल्यूशंस जो है वो चीजों के निकल सके। अ टोटल ऑफ 5 बोट्स आर इन वेरियस स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट एंड द वर्क्स आर डन बाय स्टार्टअप नेम्ड नावाल्ट सोलर एंड इलेक्ट्रिक बोट्स। 5 नावों को बनाने की, 5 नावों के विकास की प्रक्रिया जो है वो निर्माणाधीन है, यानी कि 5 नावें जो है वो बनाई जा रही है। बना कौन रहा है? एक स्टार्टअप जिसका नाम है नावाल्ट सोलर एंड इलेक्ट्रिक बोट्स। इस नावाल्ट सोलर एंड इलेक्ट्रिक बोट्स ने ऑलरेडी एक पैसेंजर बोट जो है वो तैयार करी थी जो कि सौर ऊर्जा से चलती है, उसके विषय में हम लोग जो है वो बात करेंगे। Shell Foundation is started supporting the project with rupees 5 crore, which includes the cost of developing the boats as well as financing the buyers to cover the extra cost compared to the traditional boat. तो 5 करोड़ रुपए की हेल्प समर्थन जो है वो Shell Foundation इस परियोजना के लिए दे रही है। यहां पर क्या होगा, इस परियोजना में 5 करोड़ रुपए की मदद इस वजह से दी जा रही है, इसलिए दी जा रही है क्योंकि एक तो इस इन बोट्स को डेवलप करने में जो कॉस्ट आएगी उसमें से भी कुछ अमाउंट जो है वो 5 करोड़ से कवर होगा, प्लस बायर के लिए एक हेल्प के रूप में, क्योंकि नॉर्मल सी बात है जब सोलर एनर्जी का इस्तेमाल हो रहा है, ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी से एक स्विच ओवर है, जो हमारी ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी है डीजल वाली, उससे एक शिफ्ट की ओर हम जा रहे हैं, तो थोड़ा सा कॉस्ट जो है वो यहां पर ज्यादा रहने वाला है इस हायर कॉस्ट को कवर करने के लिए। क्योंकि बहुत केसेस में ऐसा होगा, बायर जो है वो सोचेगा कि यार मैं महंगी बोट क्यों खरीदूं, मुझे क्या दिक्कत है, अगर पॉल्यूशन हो भी रहा है तो होता रहे, मेरी जेब पे तो नुकसान नहीं आ रहा। तो जो एक्स्ट्रा कॉस्ट है वो किसी बायर के लिए एक बैरियर बन सकता है कि क्यों वो एक्स्ट्रा कॉस्ट स्पेंड करे। इस वजह से उस एक्स्ट्रा कॉस्ट को कवर करने के लिए शेल फाउंडेशन ये समर्थन जो है वो दे रही है, ताकि जो एक्स्ट्रा कॉस्ट है वो उस बायर को ना बियर करनी। एक अनुमान के अनुसार करीब 2.5 लाख छोटी मछली पकड़ने वाली नाव है। देयर आर ओवर 2.5 लाख स्मॉल फिशिंग बोट्स इन इंडिया एंड 1.13 टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड पर 1 टन ऑफ लाइव वेट ऑफ मैरीन फिश नेटेड। यानी कि जब भी 1 टन मछली पकड़ी जाती है, उस पूरी की पूरी प्रक्रिया में करीब 1.13 टन कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज होता है, क्योंकि मछली पकड़ने के लिए इस्तेमाल होता है फिशिंग बोट का। जैसे जैसे मछली पकड़ी जाती है, फिशिंग बोट जो है वो हैवी होती जाती है, फ्यूल उसमें ज्यादा लगता है, जब फ्यूल ज्यादा लगता है तो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन बढ़ जाता है। तो एक अनुमान के अनुसार
1 टन ऑफ फिशिंग के लिए 1 टन मछली पकड़ने के बाद करीब 1.13 टन कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो पर्यावरण में रिलीज हो जाती है, यानी कि एक बहुत बड़ा अमाउंट ऑफ पॉल्यूटेंट जो है इस वजह से एक सिंगल बोट से आता है। याद रखिएगा, एक सिंगल बोट से 1.13 टन जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिलीज हो रही है। एज पर एन एस्टिमेट अ कन्वेंशनल स्मॉल बोट विल कंज्यूम 2500 लीटर ऑफ फ्यूल पर ईयर। हर साल 2500 लीटर तेल जो है वो एक बोट कंज्यूम करेगी, विच रिजल्ट्स इन 5 to 6 टन ऑफ कार्बन एमिशन पर ईयर। तो इस सिर्फ और सिर्फ इस फ्यूल से ही 5 से 6 टन कार्बन जो है वो एमिट होता है। इस पूरे के पूरे अमाउंट को, चाहे फ्यूल कंज्यूम को हो या फिर कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन को, अगर 2.5 लाख बोट से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो जो अमाउंट ऑफ कार्बन एमिशन होती है वो बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है, विच इज मैसिव इन टर्म्स ऑफ एनवायरमेंटल इंपैक्ट। अगर एक बोट से इतना कार्बन एमिशन हो रहा है तो यही जब 2.5 लाख बोट्स के लिए कैलकुलेट करेंगे तो बहुत ज्यादा एमिशन जो है वो पर्यावरण के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का हो जाएगा, जो कि बहुत ज्यादा हानिकारक, बहुत ज्यादा घातक होने वाला है। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए अब फिशिंग बोट जो है वो भी सौर ऊर्जा से संचालित करने की प्रक्रिया जो है वो चल रही है, और बहुत जल्द केरल में सौर ऊर्जा से चलने वाली फिशिंग बोट जो है वो आ जाएंगी। ऐसा नहीं है कि सोलर बोट का कंसेप्ट नया है, हिंदुस्तान के पास पहले ही अपनी सोलर बोट है। यहां पर नया यह है कि अब फिशिंग के लिए सोलर बोट्स इस्तेमाल होंगी। पहले सोलर बोट्स जो है वो सिर्फ लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए इस्तेमाल होती थी। कंपनी सेम है, नावॉल्ट मैंने आपको बताया, नावॉल्ट सोलर इलेक्ट्रिक बोट्स जो है वही ये सोलर फिशिंग बोट्स बना रही है। इसी कंपनी ने आदित्य नाम से एक पैसेंजर बोट जो है वो बनाई थी। तो इस तरीके की ये पैसेंजर बोट है, आप देख पा रहे हैं पूरा का पूरा सोलर पैनल इसके ऊपर लगा हुआ है। तो सौर ऊर्जा से ये आदित्य बोट जो है वो चलती है, 75 लोगों की 75 पैसेंजर्स को कैरी करने की इसकी कैपेसिटी है। इसको जो है वो 2017 में शुरू किया गया था, केरल के वैकॉम से लेकर के थावानु काकुडुवु में ये बोट जो है वो चलती है, केरला के अंदर ये ट्रेवल करती है। इट वॉज लॉन्च्ड इन नवंबर 2016 एंड रिज्यूम्ड इट्स सर्विसेज इन 2017। 2017 में इसकी सेवाएं जो है वो शुरू हुई थी। ये हिंदुस्तान की पहली ऐसी बोट थी जो सौर ऊर्जा से चलती थी, और सबसे बड़ी सौर ऊर्जा से चलने वाली बोट जो है वो ये थी, इसका नाम आदित्य था। इट इज ऑपरेटेड बाय द केरला स्टेट वाटर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट। तो केरल राज्य के जल परिवहन विभाग द्वारा इसको संचालित किया जाता है। बनाया इसको नावॉल्ट सोलर एंड इलेक्ट्रिक बोट्स द्वारा गया था। आदित्य बोट जो है इज वेरी लो पर किलोमीटर एनर्जी कॉस्ट। इट ऑपरेट्स 22 ट्रिप्स अ डे, कवरिंग टोटल ऑफ 66 किलोमीटर, कैरिंग 75 पैसेंजर्स पर ट्रिप। एक ट्रिप पे ये 66 किलोमीटर चलती है, 75 पैसेंजर्स को लेकर के जाती है, और 22 ऐसे ट्रिप्स ये एक दिन में लगाती है, और बहुत ही कम कॉस्ट में ये ऑपरेट करती है क्योंकि सौर ऊर्जा से चलती है, कोई कॉस्ट तो वहां पे कवर नहीं हो रहा है। इसकी एफिशिएंसी को देखते हुए इस आदित्य सोलर बोट को गुस्तावे ट्रोव, एक फ्रेंच अवार्ड है वो दिया गया था, गुस्तावे ट्रोवे अवार्ड जो है वो इसको दिया गया था। ये इलेक्ट्रिक बोट्स को दिया जाता है, ये अवार्ड जो है वो एक फ्रेंच इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की याद में बनाया गया है, जिनका नाम था गुस्तावे ट्रोव। तो गुस्तावे ट्रोव जो है उनकी याद में ये अवार्ड जो है वो बनाया गया था। और ये किसको दिया जाता है, ये इलेक्ट्रिक बोट्स को दिया जाता है, सोलर बोट्स को, जो कि एनर्जी एफिशिएंट होती है। क्यों दिया जाता है, क्योंकि ट्रोवे जो थे वो एक प्रोलिफिक इन्वेंटर थे, जिन्होंने अपने नाम पर 75 से ज्यादा पेटेंट्स किए थे, एक आविष्कारक थे जिनके नाम पर 75 से ज्यादा पेटेंट्स थे। इन्होंने 5 मीटर लंबी इलेक्ट्रिक बोट का प्रोटोटाइप जो है वो तैयार किया था, यानी कि इलेक्ट्रिक बोट्स और सोलर बोट्स की श्रेणी में इनका योगदान जो है वो काफी ज्यादा था। इस वजह से इनके नाम पर एक अवार्ड जो है वो दिया जाता है उन बोट्स को जो कि एनर्जी एफिशिएंट होती है, यानी कि सोलर या इलेक्ट्रिक एनर्जी से पावर्ड होती है। और इसी अवार्ड को जो है वो दिया गया था किसको, आदित्य सोलर बोट को। आदित्य सोलर बोट जो कि केरला के अंदर शुरू हुई थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड है क्योंकि हिंदुस्तान में पहली दफा ऐसा अवार्ड जो है वो दिया गया था, अंतरराष्ट्रीय स्तर का ये अवार्ड है। इस अवार्ड के मिलने का मतलब है कि हमारी एफिशिएंसी जो है वो बहुत ज्यादा है। वही कंपनी जिसने ये सोलर बोट बनाई थी, जिसको इंटरनेशनल अवार्ड मिला था, वही अब फिशिंग के लिए भी बोट्स है वो तैयार कर रही है। और ये जो फिशिंग बोट्स हैं, द सोलर फिशिंग बोट्स कैन इंप्रूव द लाइवलीहुड ऑफ स्मॉल फिशर्स। बड़ी जाहिर सी बात है,
एक बार इसको लेने की कॉस्ट है, उसके बाद डेली फ्यूल इसमें नहीं भराना होगा, डीजल पेट्रोल से नहीं इसको फिल कराना होगा। तो फिशरमैन को इसमें कॉस्ट एफिशिएंसी मिलेगी, यानी कि उसका खर्च जो है वो कम होगा, कार्बन एमिशन कम होगा और सी पोल्यूशन में कमी आएगी, समुद्री प्रदूषण से भी बचा जा सकेगा। ये है पूरा का पूरा कंसेप्ट सोलर फिशिंग बोट्स का, जो कि जल्द ही केरल में शुरू होने वाला है। आई होप हमको ये आर्टिकल जो है वो समझ में आया होगा। अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज, स्टेट पीसीएस, बैंकिंग या अन्य किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए स्टडी आईक्यू के बेहतरीन कोर्सेज अवेलेबल है, और इन सभी कोर्सेज पर आपको मैसिव डिस्काउंट्स मिल रहे हैं, क्योंकि मंथ एंड सेल जो है वो स्टडी आईक्यू पर आ चुका है। तो इस मंथ एंड सेल का लाभ जरूर उठाइएगा, डेफिनेटली हमारे कोर्सेज में एनरोल कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।